आखिर बार कहा है मैंने सईदा से कि तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखे, लेकिन यहाँ तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। ताहिम ही उनका कसूर नहीं है, मैंने ही उन्हें मना किया था। रानिया क्या हो गया तुम्हें बेटा? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन कब तक तुम इस तरह से रहोगी? निकालो अपने आप को इससे, अपने बारे में सोचो, अपनी होने वाली औलाद के बारे में सोचो। मैं क्या करूं ताई अम्मी, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं तो खुद इस बंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना ख्याल रखो, और अब तो वक्त भी बहुत थोड़ा रह गया है। तुम देखना इसके बाद तुम्हारे इर्द गिर्द खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन मैं वो नहीं चाहती जो आप सोच रहे हैं। बेवकूफी कर रही हो तुम बेटा, अकेले सारी जिंदगी गुजार पाओगी? अभी तुम इद्दत में हो, और बिरादरी वालों ने हमसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए कि रानिया की हम शादी कर पाएंगे दूसरी के नहीं, क्योंकि सबकी नजरें तुम्हारी जायदाद पे टिकी हैं। किस किस को जवाब देते फिरेंगे हम लोग? लेकिन ताइमी तबरेज ही क्यों? क्योंकि कोई किसी दूसरे के बच्चे को नहीं पालता, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तबरेज ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगा। उसके भाई की औलाद है। मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचना, इसमें सिर्फ तुम्हारी भलाई है।